नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, मैं हूं केशव। मेरे साथ इस वक्त ऋषि हैं। आरजेडी की विधानमंडल दल की बैठक खत्म हुई है, जानेंगे क्या कुछ हुआ अंदर। तमाम विधायकों ने, एमएलए और एमएलसीज ने हिस्सा लिया, क्या कुछ अंदर बातें हुई, क्योंकि चर्चाएं बहुत सारे विषयों को लेकर थी। शराबबंदी भी है, लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम सारी चीज़ें हैं। जानेंगे क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, क्योंकि काफ़ी देर तक मीटिंग जो है वो चली। देखिए, ये बैठक एक इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ग्रास रूट के ऊपर, क्योंकि पहले के परिवेश में, पहले हम विपक्ष में थे और अब सत्ता में आ चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की उम्मीद बढ़ी है। और जिस प्रकार से नौकरियां भी बांटी जा रही हैं, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हो रही है, पहले ये सब चर्चाएँ हुआ नहीं करती थी। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन था, क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर एक एक विधानसभा में जो विधायक हैं वो जाते हैं और लोगों से उनका सीधा इंटरेक्शन होता है, तो किस तरीके का नैरेटिव जो है पेश होना चाहिए, लोगों से किस तरह से जुड़ना चाहिए, लोगों के ज़्यादा काम जो है हम करा सकें, जो उनके जेन्युइन काम है, उसके ऊपर चर्चा थी। और सारे विधायक साथियों ने और विधान परिषद साथियों ने, सब ने मिल करके जो है अपनी अपनी राय रखी, उन सब राय को सुना गया और उसको जो है उस पर अमल करने की जो बात हुई, फिर आगे जो है पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उसके ऊपर फर्म स्टेप्स लेंगे और फिर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन हाल के दिनों में शराबबंदी के दौरान जो है एक बार फिर से एक बड़ा आरोप लगा है कि शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, सरकार की किरकिरी हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें अब सरकार सत्ता में आरजेडी है तो कहीं ना कहीं उसके छींटे आरजेडी के ऊपर ही पड़ेंगे, तो क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई, किस तरीके से एक्शन प्लान बनाया जाएगा, क्या कुछ इस पर भी कुछ? देखिए, आप इत्मीनान रखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर सरकार की बहुत पैनी नज़र है और किसी भी कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म का हो। एक एक कल्प्रिट के ऊपर FIR भी होंगे और कार्रवाई भी होगी और उनको सज़ा भी मिलेगी और वो महागठबंधन की सरकार करेगी। लेकिन आंकड़ों को लेकर बड़ा जो है वो एक सवाल उठ रहा है कि सरकारी आंकड़ा कुछ और है, मौतें ज़्यादा हुई हैं, इसे लेकर NHRC की टीम आई है, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई, क्योंकि NHRC जो है ह्यूमन राइट, वो पुलिस के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो है कि वो जांच करेगी, तो ऐसे में इस पर भी कोई चर्चा हुई? बड़ी अजीब सी विडंबना है। आप देखें कि जहरीली शराब से मरने में नंबर एक स्थान जो है वो दूसरे राज्य का है, महाराष्ट्र का है, फिर हरियाणा है उस लाइन में, कर्नाटका है उस लाइन में, जहाँ पे जहरीली शराब पी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे हैं। NHRC वहाँ क्यों नहीं गई, ये समझ से परे है। और NHRC को आज भेजा गया बिहार में, जबकि पहले भी ऐसे वारदात हुए हैं जब जहरीले शराब से बिहार में लोग मरे हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी जहरीली शराब से लोग मरते थे, तब तो NHRC की टीम नहीं आती थी यहाँ पे। तो आप देखिए, बड़ा सिलेक्टिवली चूज़ किया जाता है इंसिडेंट को, स्टेट को और सिचुएशन को, कि इस समय जाना चाहिए, इस समय NHRC को भेजो। ये अपने जितने भी इनके पास टूल्स हैं केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सबको आजमाएंगे। मतलब कि इनकम टैक्स, ED और ये सब तो कर चुके हैं वो, अब एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया उन्होंने कि लोगों के बीच में नैरेटिव खराब करो और बिहार सरकार को बदनाम करो। लेकिन BJP लगातार हमलावर है, आपने देखा होगा किस तरीके से विधानसभा में भी 5 दिनों का सत्र एक दिन भी नहीं चल सका, हंगामे की भेंट नहीं है उनके पास, कोई रेलेवेंट बात नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात इधर से उधर करते हैं, कोई आधार नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। खड़े होकर के आप सम्मानित प्रतिपक्ष हैं, आप एक नेशनल पार्टी हैं, आपसे कम से कम उम्मीद की जाती है कि जब आप हाउस में बात करें तो तर्कपूर्ण करें और सबूत के साथ कोई भी बात को रखें। अब ग्रामीण विकास के ऊपर चर्चा हो रही है और वो शराब 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 किए जा रहे हैं, तो ये तो एक नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता। और हो सकता है सेंटर से उनके पास कोई नैरेटिव नहीं आया होगा कि क्या चीज़ कहना है, क्या स्ट्रैटेजी उनकी हाउस में होनी चाहिए, तो सकारात्मक कोई चर्चा हुई नहीं। लगातार ये लोग वॉकआउट करते रहे, जबकि माननीय अध्यक्ष ने उनको मौका दिया कि आप बोले, और उस बोलने पर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा वाला काम किया। लेकिन BJP लगातार हमलावर है इसको लेकर कि बालू और दारू, दोनों इन दोनों को लेकर उसने कहा कि RJD के लोग, JDU के लोग जो है शराब बिकवा रहे हैं, आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे, इससे कैसे बचेंगे, इन आरोपों के लिए कोई चर्चा हुई? सर, सबूत तो दीजिए ना। आप ऐसे ही JDU और RJD का नाम ले लेंगे तो हम मान थोड़ी ना लेंगे। आप सबूत दीजिए,
आप बताइए कौन सा राजद का विधायक, कौन सा MLC, कौन इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, या जदयू का कौन इन्वॉल्व है, सरकार का कौन सा इन्वॉल्व है, आप सबूत दीजिए ना। आप कुछ भी तर्कहीन बात कर देंगे और हम मान लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता बेवकूफ थोड़ी है। विषयों पर कोई चर्चा हुई पार्टी में? देखिए, हमारे अभी बताया संगठन के ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि पहले विपक्ष की बात थी और हम सत्ता पक्ष में है, जिम्मेदारी बढ़ी है और लोगों तक जवाबदेही बढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो है अब हम आंसरेबल हैं स्टेट में किसी भी फेलियर के भी और स्टेट में किसी भी अच्छे काम के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा आउटरीच प्रोग्राम किस तरीके से हो और कैसे हम सरकार की योजनाएं एकदम आखिर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा सके। जैसे इस मीटिंग में थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, तेजस्वी जी ने जो अपनी बात कही वो हमारी राय के ऊपर कही, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन था, एक एक मेंबर से कहा गया, वो अपनी बात को रखे, हम सब ने अपनी बात रखी, अपने कंसर्न को रखा, और फिर तेजस्वी जी ने मिल बैठ करके जो है कैसे हमारे मतलब कि हाँ कैसे नहीं कैसे हमें जो है अपने संगठन को मजबूत करें और कैसे साथ साथ सरकार की उपलब्धि भी ग्रास रूट तक लोगों को बताएं, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। देखा आपने कि जिस तरीके से RJD के विधायक ऋषि कुमार ने बताया कि जो सरकार है उसे पूरी तरीके से ऑफेंसिव रहने का निर्देश दिया गया, और साथ ही किस तरीके से वो अगली रणनीति होगी वो तैयार करें इस पर चर्चा की गई, साथ ही जो सदस्य हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, लोगों के बीच किस तरीके से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराई जाए, लगातार BJP हमलावर है उनके हमलों से किस तरीके से बचना है, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है आज की विधानमंडल दल की बैठक में। तो लगातार 4 घंटों से लगभग ये बैठक जो है वो चल रही थी, अब बैठक खत्म हुई है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में आएंगे और ये बताएंगे कि आखिर इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला। तो लगातार बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ, सहयोगी अमन के साथ केशव सुमन सिंह पटना।